अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। हाँ जी, अब बताए, अब आवाज सही आ रही है। चार्जर भी खत्म आना बया सुनाया नाल चार्जर बंद सी डॉक्टर साहब। अच्छा, हूँ देखो मेरी मामी ने कहा हूं मैंने ये वाके ना मेरा पापा के ना किसी ने ला के जावी तू ना जो तेरी माए मामी ने ला के आए ना को बेटी बच्ची नु अखां दा जी जी कहां पाण दी थी। हां जी, तो ना ला ले डॉक्टर साहब ना सारे इन ना सही कह गया देख ला ना फिर भी दवाई पी शुरू करी इदा दी जैसे कहंदे दवाई इदा कर ले सुन दी या कितना पहली बार दवाई ना सही ने माफ ना बवे जे किस तरह वा सही ना दिती जाए डॉक्टर साहब इन देख के सूत हाल ते फिर इन दवाई देन दौड़िया नू किन्ना फर्क पिया सी, झटकिया नू डिगण नू किन्ना फर्क पै गया सी। दो तीसरा हिस्सा फर्क पै गया सी, दो हिस्सा विच ना तीसरा हिस्सा फर्क फर्क सी फिर अपना करती आकड़ दी तो यह कहने सही ना इतना डॉक्टर साहब चल सारी सूरत हाल देख के ना फिर दवाई शुरू करवाइए लेकिन तस्वीर तू बना के ला दी ऐसा उस वक्त ना इन्हें उदा दौरा दूरा पैंता है जिस वक्त को लियाए जल्दी रुक जाता एक दोबारा फिर मंगा दे बंदा शीशे दवाई होगी होर दवाई भी होगी दूर बढ़िया बंद इन दूर का खर्चा किराया पैंदा अजे ट्राली ट्रैक्टर बना ला मेरे भाभी कह दई अरमीन की मां अगर तुसी आना होवे ते फिर आ जाना। अच्छा, जो आईए दवाई पी भेजो तस्वीर अपनी घर बेहे सारी बना के ते दवाई फिर समुद्री आएगी दवाई जिथे तो थोड़ा घर है घर ही आएगी फर्क पिया कि नहीं पिया। हां जी, फिर कि मैं कहा उन तक दवाई एक दफा मंगा ली फिर जो आएगी मेरे भाभी तो फिर अस आवे एक दफा बच्ची से ले मंगता तो हुण हरम पाल हरीम फातिमा दा की हाल है, वो टुड़ी फिरदी कि नहीं हुण बाजू सोक के पतला जा होया वा ओ भी हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, दूसरी बच्ची जिहड़ी आई सी तुहाडी भाभी दी बेटी। हां जी ठीक है माशा। हां जी, तुम दसिया कि ना नजर नहीं देखती उपर नीचे नहीं करती माशाला जिन दवाई आए शुरू की बदली है माशाला नजर भी थले भी करती उत्ते ही वेली थले हम बह के छह फड़ दी है।
अच्छा हुण किसी चीज नूं वेस्ट नहीं लगदी, सीधी चा के चीज पकड़दी कि इधर उधर जाके वजदी है? नहीं नहीं वजदी तो नहीं गई, इधर उधर ना मेरे घर आई थी, मेरे घर घर समझी थी, मेरे घर दोक बनाए थे, सानू बड़ी परेशानी लग गई कि इधर मेरे घर तुरदी नहीं है, घर तौले ना नहीं तुरदी, एवं थी अपने अंदाजे ना नहीं घर फिरदी, हुण माशाल्लाह तुरी फिरदी इत्थे मेरे घर, फिकर लगदा है कि अंदाजे ना ना कि घर भज्जी फिरदी होवे। सही है, ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਾ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਲਾਂਘ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ ਆਈਏ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੋ ਵਾਰ ਨਾ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਲੈਸ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੈਸ, ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰੇਟ ਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨੇ ਅਸਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 50,000 ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਫ਼ਾ 83,000 ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ। ये फातिमा पता क्या करती है यार, मेन फातिमा इसके आगे मैं बॉल रखूं तो वो पकड़ लेती है, बॉल के पीछे नहीं जाती। अच्छा, इसका फासला हो ना अगर 1.5 फुट हो तो वहाँ से पकड़ लेती है, ज्यादा फासले से नहीं पकड़ती। ज्यादा फासले से नहीं पकड़ती, ज्यादा फासले पे भी जाएगी, अल्लाह खैर करेगा। अब मैं जुम्मा हफ्ता इतवार होता हूँ उधर, ये भी ख्याल रखना है। ये तो मुझे पता है आपका सारा, तो अगर हम 28 को आए फातिमा की एक बोतल तो भी होनी है, वो आपको दे दूंगा, कोई मसला नहीं उसका। ठीक है, ठीक है ना, इसकी वीडियो भी बना के मुझे सेंड करना बच्चे की। डॉक्टर साहब जी जी ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਆਏ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦਵਾਈ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ 28 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 28 ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ 28 ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 25 ਲਾ ਲਾ ਸਰ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਣ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਦਵਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾ ਦੇ ਸਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, फास्ट हील होम्योपैथिक क्लिनिक बहावल नगर लाहौर रावलपिंडी पिशावर गुजरांवाला की जानिब से आपके साथ मुखातब हूँ। आज जो मैंने आपके साथ एक केस शेयर किया, ये एक टेस्ट डोज का केस था। ये एक पेशेंट मेरे पास आता था, उनकी बच्ची नबीना थी, उनको लेके आए थे, उनको अल्लाह ताला ने शिफा दी, वो बच्ची को बिनाई दी, बच्ची को आँखें दी, बच्ची देखने लगी, चलने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हुई। तो इसकी एक बेटी थी, वो माजूर थी, बहुत बड़ी उम्र हो चुकी थी, 18 साल के करीब तकरीबन, और एक बेटा था जिसे नमूनिया का प्रॉब्लम था या दमे का इशू था, जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी एलर्जी हो जाती थी ठंडा पानी पीने से, ठंडी चीज़ें खाने से, और बच्ची को बहुत ज़्यादा फिट्स आते थे, गिर जाती थी, झटके लगते थे, और इस तरह से उसको प्रॉब्लम था, और उसको खुद को मैदे का मसला था, जिगर का मसला था, हेपेटाइटिस था। तो मैंने इनको फ्री में 15 दिन के लिए दवाई दे दी, मैंने कहा अगर आप सेटिस्फाइड हो जाएं तो फिर ट्रीटमेंट करवा लेना। तो ये असल में लोगों डॉक्टरों से मायूस हो चुके थे, इलाज से मायूस हो चुके थे, सब डॉक्टरों ने यही कहा था कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, इन तमाम बीमारियों का इनका सिर्फ हल यही है कि आप दवाई खाते रहें, जब तक आपकी ज़िंदगी आपको ये दवाइयां खानी पड़ेंगी, इसके बगैर इसका कोई हल नहीं है, किसी तरह भी ये क्योरेबल नहीं है, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसलिए ये मायूस थे, मुकम्मल तौर पर मायूस थे, तो इनको इत्माद नहीं था, भरोसा नहीं था। तो लेकिन जब आए, मैंने इनको दुआ दी, तो फिर अल्लाह जल्ला जलालु ने अपनी कुदरत से, अपने फजल से, अपनी रहमत से, अपने करम से इनको शिफा दी, जिससे ये हुआ कि मरीज़ जो है वो काफ़ी बेहतर हो गए, और उसकी बच्ची को भी काफ़ी फ़र्क आ गया, और वो उस तरह से नहीं गिरती, उस तरह से उसको झटके नहीं लगते, उस तरह से उसको फिट्स नहीं पड़ते,
इसी तरह से उसका जो बच्चा था वो भी काफ़ी बेहतर हो गया, उसको उस तरह से नमूनिया नहीं होता था, उस तरह से उसको दमे की तकलीफ, सांस की तकलीफ नहीं होती थी, और उसको खुद को भी काफ़ी फ़र्क आ गया, जिससे वो मुतमिन हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। और फिर उन्होंने रब्ता किया कि अब हमने अपना मुश्किल इलाज परमानेंटली इलाज करवाना है, अब हमने पीछे नहीं हटना है, हमें उम्मीद लगी है कि हमारी बच्ची भी ठीक हो जाएगी, हमारा बच्चा भी ठीक हो जाएगा और मैं खुद भी ठीक हो जाऊँगा। तो ये वीडियो सारी आपके साथ शेयर करने का सिर्फ मकसद यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि लोगों तक पहुँचेगी, लोगों को ट्रस्ट डिवेलप होगा, और जो लोग हमसे इस वीडियो को देख के रब्ता करेंगे, अगर किसी को शिफा मिल जाती है तो वो आपके लिए और हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा और निजात का ज़रिया बनेगा। तो देखिए, सारे केस शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि अल्लाह जल्ला जलालू जब चाहता है, जहाँ से चाहता है, जिससे चाहता है शिफा देता है, वो हर चीज़ पर कादर है, वो सिर्फ लोगों की लगन मोहब्बत को देखता है और फैसले करता है। तो इस तरह से यह सब कुछ अल्लाह ने किया है, अपनी कुदरत से किया है, अपनी रहमत, अपने करम, अपने फजल से किया है, इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं कुछ हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। हम तो किसी का एक सेकंड भी ज़िंदगी का आगे पीछे नहीं कर सकते, ना हम किसी को सेहत दे सकते हैं, ना हम किसी को बीमारी दे सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं, ना हम कुछ करने के काबिल हैं। सब कुछ करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, उसी के कब्ज़ा में है, उसी के कंट्रोल में है, उसने अपने हाथ में सब कुछ रखा हुआ है, जब चाहता है, जहाँ से चाहता है, जिससे चाहता है शिफा देता है, जब चाहता है बीमारी देता है, जब चाहता है मौत दे देता है, चाहता है ज़िंदगी दे देता है, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर देता है। तो वो सब कुछ उसी के इख्तियार में है, मैं कुछ नहीं हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं हूँ, मैं ज़ीरो हूँ, मैं तो अपने आप की भी गारंटी नहीं दे सकता, दूसरों की मैंने क्या देनी है। तो करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। बस आपसे सारी बातें शेयर करने का मकसद यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो, वो होम्योपैथी की तरफ आए, बर वक्त अपना इलाज कराएं और हमेशा हमेशा के लिए अदवियात से निजात हासिल करें, बीमारियों से निजात हासिल करें। अगर किसी एक बंदे को भी अदवियात से निजात मिल जाती है, बीमारी से निजात मिल जाती है, तो वो आपके लिए और हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा। फिर आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।